बड़ी खबर के साथ तो राजधानी भोपाल से मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना, 24 घंटे में 7,597 से ज्यादा नए मरीज, राजधानी में एक दिन में 1710 संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे के अंदर 5 लोगों की मौत भी हुई है। 15 दिन में 25% तक संक्रमण की दर पहुंची है और बढ़ते मामले को देखते हुए अब एंटीजन टेस्ट बंद कर दिए गए। आरटीपीसीआर टेस्ट से ही अब जांच की जाएगी। 24 घंटे में 7,597 से अधिक कोरोना संक्रमित मिले हैं प्रदेश में। लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इंदौर सहित प्रदेश के कई शहरों में केस तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में तेजी से कोरोना बढ़ता जा रहा है। राजधानी भोपाल में एक दिन में 1,710 कोरोना मरीज मिले हैं। और चलिए अधिक विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन आंकड़ों में वृद्धि हो रही है और सबसे ज्यादा मरीज इंदौर से निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन राजधानी भोपाल भी पीछे नहीं है। देखिए, समूचे मध्य प्रदेश में पिछले 15 दिनों के अंदर जो कोरोना के केसेस में वृद्धि है वो 2.5 उस वक्त रिकॉर्ड की गई थी, यानी कि जो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े थे उस वक्त जो संक्रमण की रफ्तार थी वो 2.5 थी, लेकिन अब 26.5 हो गई है। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सर्वाधिक जो मामले हैं वो इंदौर से सामने आए हैं। इंदौर आर्थिक राजधानी कही जाती है और इंदौर और समूचे मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो कई अन्य राज्य जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू की ओर बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में यह लागू नहीं है। इसी का नतीजा है और खामियाजा है कि इंदौर जैसे बड़े शहर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि भोपाल भी इससे अछूता नहीं है। करीब 1700 मरीज कल सामने आए हैं और ये माना जा रहा है कि जनवरी आखिरी तक करीब रोजाना भोपाल में 5000 से अधिक केस बढ़ सकते हैं, तो यानी कि चिंता का विषय है, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। बाकी बात करें अन्य जिलों की, तो मध्य प्रदेश के 5 ऐसे बड़े जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस हैं, जिसमें इंदौर भोपाल को छोड़ दिया जाए तो ग्वालियर और जबलपुर के अलावा जो करीब जो जहां पे 10 लाख से ऊपर की आबादी है वो जिले सबसे ज्यादा संक्रमित तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। भोपाल में भी केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी में जो सबसे अहम बात यह है कि जो मरीज सामने आए उनकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री निकाली गई, तो उनकी ट्रेवल करके आने वाले की सबसे ज्यादा मरीज है और बेहद जरूरी बात यह है कि जो मरीज है उनमें बुजुर्ग और बड़े शामिल है, लेकिन बच्चे भी अधिक से अधिक बीमार होते जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने एक ये अहम फैसला किया है कि 30 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। ऐसे में जो सबसे राहत भरी बात यह है कि अब बड़े बुजुर्गों के अलावा बच्चों की जो संक्रमण की रफ्तार थी, किस तरीके से बच्चे संक्रमित हो रहे थे, वो केसेस कम आना शुरू हो गए। लेकिन जैसा कि रफ्तार की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है, रिकवरी रेट कम है और हाल ही में 24 घंटे के अंदर 5 लोगों की मौतें हुई है। ये मौतें बेहद चिंता का विषय है कि आखिर सरकार ये दावा कर रही थी कि कोरोना से किसी की मौत नहीं हो रही है, हालात स्थिर है, लेकिन जो 5 मौतें हुई है वो चिंता का विषय है कि किस तरीके से उनकी मौतें हुई है, ये एक जांच का विषय रहेगा। हालांकि जो मौतों के बारे में बताया जा रहा है कि वो काफी ज्यादा बीमार थे, इस वजह से उनकी मौतें हुई है और उन्हें ही बीते कुछ दिनों पहले कोरोना हुआ था, जिसके इलाज के दौरान उनकी मौतें हुई है, तो ये जांच का विषय रहेगा कि आखिर कोरोना वजह है या कोई और कारण है। लेकिन सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में केसेस की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ रही है और बेहद चिंता का विषय यह है कि सरकार ने जो बाहर से आने वाले यात्री है, जो बाहरी सीमा मध्य
प्रदेश के आसपास की जो सटी हुई राज्यों से जुड़े हुए जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पे रेस्ट्रिक्शन नाम मात्र का लगाया है। सरकार ने एंटीजन टेस्ट तो बंद कर दिया है लेकिन आरटीपीसीआर के लिए आवश्यक कर दिया है। अभी मध्य प्रदेश में जो केसेस निकल रहे थे उसमें एंटीजन टेस्ट जो किए जा रहे थे उसमें लोगों की रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आ रही थी लेकिन आरटीपीसीआर करने के बाद जो है वो कोविड के केसेस बढ़े हैं। तो ऐसे में सरकार ने यह फैसला किया है कि एंटीजन टेस्ट ना किए जाए आरटीपीसीआर ही किए जाए। अब सवाल यही है कि जो घरों में जो टेस्ट हो रहे हैं उनकी जो मॉनिटरिंग है वो किस तरीके से की जाएगी। हालांकि सरकार ने एक साफ कर दिया है कि जो एंटीजन टेस्ट किट है वो मेडिकल स्टोर में आने वाले जो लोग हैं जो खरीदने वाले हैं उनका रिकॉर्ड फार्मासिस्ट को रखना पड़ेगा। तो इसकी मॉनिटरिंग भी स्वास्थ्य विभाग को ही करनी पड़ेगी। जिला जो हेल्थ अधिकारी है जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है किस तरीके से फार्मासिस्ट को ये निर्देश दिए जाए कि जो किट खरीदे जा रहे हैं कोरोना टेस्ट के लिए उनकी एक सूची बनाई जाए। सरकार के पास ये जो जानकारी है कि कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और ये किट कितनी असरदार है इस पर भी सवाल है। हालांकि जो एंटीजन टेस्ट ना करने का फैसला किया है ये काफी ज्यादा अच्छा है सरकार की तरफ से क्योंकि जो एंटीजन टेस्ट है वो रिपोर्ट फौरन दे देता है लेकिन लोग उससे भी ज्यादा संक्रमित रहते हैं। जो 100% श्योरिटी है वो सिर्फ आरटीपीसीआर में रहती है। इसी की वजह से सरकार ने एंटीजन टेस्ट बंद कर दिया है और सिर्फ आरटीपीसीआर टेस्ट ही एमपी में होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जिलों में आज जो समीक्षा होने वाली है उसमें कोरोना के हालात पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी। हालांकि ये राहत की बात है कि जो कोरोना संक्रमित है उनमें से 2-3% ही लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं तो ये सरकार के लिए एक राहत की बात है। जी बिल्कुल विवेक, बने रहिए आप, आपके पास फिर लौटेंगे। तो लगातार संक्रमण कोरोना का बढ़ता जा रहा है, उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं किया जाएगा, आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि बढ़ते संक्रमण से निजात पाई जा सके।